अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सन डिस्कवरीज़ में खुश आमदीद। आज हम फिर से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं संडे मार्केट का रिव्यू। 19 नवंबर का दिन है, कोशिश करेंगे आपको अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ दिखाएं और उनके प्राइजेस भी मुनासिब हों। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, आप लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। प्लस आप लोगों ने जो भी लास्ट वीडियो में मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में कहा है कि जिन जिन गाड़ियों को मैंने कवर करना है, मैं कोशिश करूंगा उन गाड़ियों को ढूंढूं अच्छी कंडीशन वाली और फिर आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन चलिए चलते हैं मार्केट का रिव्यू करते हैं कोरे गाड़ी के। तो नाज़रीन मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ कोरे गाड़ी के सामने, कोरे गाड़ी का रिव्यू लेकर आया हूं। इंशाल्लाह जो है इसके भी प्राइसेस आपको आगाह करेंगे। तो मेरे साथ खड़े हुए हैं गाड़ी के ओनर, इनसे हम डिटेल्स वगैरह लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। सर आपका नाम? अब्बास। अब्बास भाई ये बताएगा कि ये गाड़ी जो है ये इसका कौन सा मॉडल है और गाड़ी की डिटेल्स जो है हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। सर ये 10 मॉडल है, मेरे घर की गाड़ी है और CNG AC वगैरह चालू है, CPLC वगैरह हर चीज़ क्लियर है। अच्छा। हाँ अच्छा, ये बताएगा इंजन वाइज गाड़ी कैसी है? इंजन भी ओके है सर। अच्छा, और ये गाड़ी फर्स्ट ओनर है? सेकंड ओनर है, सेकंड मेरे नाम पे। अच्छा ये बताएं ये गाड़ी जो है ये बाहर से जेन्युइन कंडीशन में? जी बिल्कुल। अच्छा, तो इसका कहीं से कोई पीस टचअप या शावर? बस हल्का फुल्का टचअप है, शावर नहीं है। अच्छा, बम्पर वगैरह इसके ओरिजिनल है? नहीं बम्पर नहीं है ओरिजिनल, बाकी ओरिजिनल है। अच्छा अच्छा, और ये बताइए गाड़ी ये कितना चल चुकी है? ये तो पता नहीं, उसमें शो हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा ये बताएं कि ये गाड़ी जो है इसका इंजन इसका अपना है या चेंज हुआ हुआ है? अपना इंजन है। अपना इंजन है। और ये गाड़ी कराची में कहाँ मौजूद है? ये PIB कॉलोनी। PIB कॉलोनी में। अच्छा ये बताएं आप ये गाड़ी की क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड 10 ही कर रहा हूँ, 10 लाख। 10 लाख रुपये कर रहे हैं, तो कोई इसमें कमी पेशी हो जाएगी? बस थोड़ी बहुत, 10-20 हज़ार तक। सही है सही। अच्छा ये आप हमारे साथ जो है अपना नंबर शेयर कर दें। जी नंबर है 0300-96-255-64। सही है, जैसे हमारे कोई भी चैनल से आपसे रब्ता करते हैं तो प्लीज़ उसके साथ थोड़ा तआवुन कीजिएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सही है। अच्छा आप ये देख सकते हैं AC सलून 2003 का ये बेसिकली मॉडल है। आप फ्रंट से इस गाड़ी की कंडीशन वगैरह देख सकते हैं। पहले आप फ्रंट से देखिए, बम्पर देखिए, गाड़ी जैसे 2003 का मॉडल है तो उस हिसाब से एक जहन में जो है ना इमेज क्रिएट हो जाती है कि यार गाड़ी की बॉडी वाइज जो है वो कंडीशन रफ होगी, तो ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं जबकि ये जेन्युइन कंडीशन में और एक से सिर्फ 2 पीस टचअप है, तो यानी ओनर ने कितना जो है ये गाड़ी को संभाल के चलाया है। 1,09,000 इसकी माइलेज है, आप देख सकते हैं। यहाँ से भी देखिए इसकी राइट साइड से आप कंडीशन देखिए आप, इसके अलावा इसका ये देखें आप पिलर वगैरह देखिए आप, इसका जो ना ये साइड मिरर देखिए, घिसा हुआ नहीं है, रगड़ नहीं लगी हुई, कहीं बड़े जो है स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, डेंट पेंट नहीं है गाड़ी का। आप ये देखें फ्रंट डोर देखें, इसका जेन्युइन कंडीशन के अंदर है, फ्रंट डोर है, साफ सुथरा है। इसके अलावा बैक डोर भी देखिए आप इसका, ये इसका नाज़रीन बैक डोर है। इसके अलावा आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसको, सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 पीस टचअप हैं। ये मतलब जो है ये बात यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि 2003 का बेसिकली ये मॉडल है। आप इसके अलावा देखें टायर भी देखें इसके नाज़रीन, ये देख सकते हैं टायर भी साफ सुथरे हैं। इसके बैक से भी दिखा देता हूँ आपको गाड़ी को, ये देखें आप बैक से देखिए गाड़ी को, ये इसका जो है बैक से जो है इसका इसकी कंडीशन वगैरह है इसका, ये देख सकते हैं बम्पर देखिए आप, बम्पर भी साफ सुथरा है। यहाँ भी देख सकते हैं बम्पर पे कहीं रगड़ वगैरह नहीं है। ये देख सकते हैं बैक पे इसका बैक कैमरा भी मौजूद है, सिम नंबर प्लेट मौजूद है। इसके अलावा आप इसका जो है डिक्की वगैरह भी देख सकते हैं, लाइट देखिए आप पीछे की, और ये देखें मिरर भी साफ सुथरा है इस गाड़ी का, मिरर भी साफ सुथरा है। अच्छा यहाँ से देख सकते हैं, ये देखें इसका कलर यहाँ से उतर रहा है, ये देखें ये धूप की वजह से उतर जाता है, धूप की वजह से कलर फेड हो जाता है, आप ये देख सकते हैं। लेकिन छत का अगर मैं दिखाऊं ना तो छत देख सकते हैं आप नाज़रीन, छत जो है इसकी साफ सुथरी है, छत का कलर इसका उतरा नहीं है। तो ये मैंने बाहर से कंडीशन दिखा दी है, इसकी इंटीरियर वाइज ही मैं आपको गाड़ी की कंडीशन दिखा देता हूं। तो आप ये देख सकते हैं, आप इसका इंजन देखिए, इंजन रूम साफ सुथरा है, सर्विस होके आई हुई है गाड़ी, आप देख सकते हैं। इसके कुप्पे वगैरह देखिए नाज़रीन, ये देखें ये वाला कुप्पा भी देखिए और वो भी कुप्पे देखें, बाकी टिकली वगैरह देख सकते हैं, ये टिकली मौजूद है। इंजन रूम इसका साफ सुथरा है, बैटरी की बात करूं तो अच्छी ड्राई बैटरी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। बाकी बोनट देख सकते हैं आप, इसका रस्टिंग कोरोजन बोनट के ऊपर भी मौजूद नहीं है, साफ सुथरा है, कहीं से बोनट दबा हुआ भी नहीं है। इंटीरियर वाइज भी देखते हैं, तो नाज़रीन ये देख सकते हैं ये ड्राइविंग साइड वाला जो है डोर है। फीचर वाइज बात करूँ तो पावर विंडोज गाड़ी के अंदर मौजूद है। ये देख सकते हैं आप इसका फुटपाथ देखिए, इसका प्लास्टिक जो है वो प्रॉपर इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा आप देखें इसके पिलर साफ सुथरे हैं, बाकी अंदर से भी आप देख सकते हैं डैशबोर्ड कारपेट मौजूद है। डैशबोर्ड देखिए, क्रैक वगैरह डैशबोर्ड के अंदर मौजूद नहीं है, साफ सुथरी कंडीशन में है। 1,09,000 ये गाड़ी चली हुई है, फुल ऑटोमेटिक गाड़ी है, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर, लेदर सीट्स गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड है। मजीद डिटेल के लिए हम ओनर के पास चलते हैं और ओनर से गाड़ी की डिटेल्स वगैरह हम लेते हैं। अच्छा ये मैं ही पकड़ लेता हूँ ना आप इजीली ताकि बता सकें। सही है। हाँ
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? जानदार नाम है। जानदार भाई ये बताइएगा गाड़ी की जो है ये कंडीशन और गाड़ी की डिटेल्स। 2003 का मॉडल है, 4 की रजिस्टर है, एसी सैलून है, ऑटोमेटिक, अपना इंजन है, 109,000 किलोमीटर चली हुई है, ब्रांड न्यू टायर इसमें डले हुए हैं, 1-2 पीसीस के टच में, माइनर और मेजर एक्सीडेंट की गारंटी है, कहीं से नहीं है, इंजन वाइज सस्पेंशन वाइज सब चीज़ से क्लियर है, एसी वगैरह चल रहा है इसका, थ्रू आउट पेट्रोल है। सही है। अच्छा ये बताएगा ये गाड़ी कराची में कहाँ मौजूद है? ये कराची में नॉर्थ नाजामाबाद ब्लॉक बी में आपको मिलेगी। सही है, आप अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। 03453008529। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन आप ये देख सकते हैं 2007 का ये विट्स का मॉडल है और ये 12 की रजिस्टर्ड है, अपने कलर में गाड़ी मौजूद है, 18.5 लाख रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं। फ्रंट से गाड़ी देख सकते हैं, साफ सुथरी गाड़ी जो है ये मौजूद है। फ्रंट से आप देखिए इसका बम्पर वगैरह देखिए, ये देख सकते हैं बोनट वगैरह देखिए, बोनट भी साफ सुथरा, छोटा बोनट आता था इसका ना नाज़रीन, ये देख सकते हैं। इसके अलावा ये देखें आप विंड स्क्रीन वगैरह देखें, क्लियर है विंड स्क्रीन, और इसी के ऊपर देखें आप इसका रूफ टॉप भी आप देख सकते हैं, साफ़ सुथरा है इसका। बाकी आप इसकी फिजिकली गाड़ी जो है ना वो देखिए, मैं इनके ओनर के पास चलता हूँ और आपको डिटेल्स वगैरह जो है वो शेयर करता हूँ। जलंधर में ये थोड़ी सी अपनी विड्स की भी डिटेल बताइएगा। अच्छा विड्स की है, 2007 का मॉडल है, 12 की रजिस्टर है, ये 12 से ओवरऑल शावर है, बट्टी पेंट करवाया अभी, न्यू टायर इसमें भी लगे हुए हैं, अच्छे वाले लारिंग लगे हुए हैं, अपना इंजन है, 1000 cc इसका, 6 एयर बैग वाली विड्स है, ये 2007 का मॉडल है, 12 की रजिस्टर है, और डिमांड हमारी है इसकी 18,25,000 रुपये। अच्छा तो ये भी गाड़ी वहीं मौजूद है जहाँ? बिल्कुल बिल्कुल वहीं पे। अच्छा तो ये बताइए जलंधर भाई आपका कोई शोरूम वगैरह? नहीं शोरूम नहीं, हम बस गाड़ी के ही काम करते हैं, शोरूम तो खैर नहीं है। अच्छा गाड़ी ढूंढते हैं अपना शौक है बस, शौक में तैयार करके भेज देते हैं। सही है। तो जलंधर भाई हमारे चैनल से कोई भी आपसे रब्ता करता है तो प्लीज उसके साथ जरूर जरूर बिल्कुल आपकी वजह से हम काउन करेंगे, हम इंशाल्लाह उनको डिस्काउंट देंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है आप इसका भी एक शॉट बना लो। सही है जीन, ये देख सकते हैं शौकीनों के लिए मैं गाड़ी ले आया हूँ, होंडा रिबॉन, गाड़ी बेहतरीन है, ये आप देख सकते हैं 2009 का ये मॉडल है और 21 लाख रुपए इसकी डिमांड है, स्लाइटली नेगोशिएबल है, वो तो हम ओनर से बात करके आपको बता देंगे। तो आप फ्रंट से आप गाड़ी को देखिए नाजी, आप ये फ्रंट से गाड़ी को देख सकते हैं, इसके विंड स्क्रीन देखिए, तो आप इसको देखिए इसमें कहीं क्रैक वगैरह जो है वो एस सच अभी गाड़ी में मुझे नज़र नहीं आया है। इसके अलावा डेंटिंग पेंटिंग भी अगर मैं बात करूं तो फ्रंट से तो मुझे बज़ाहिर जो है वो नज़र नहीं आ रही है। तो आप इसके अलावा आप देख सकते हैं इसका डोर वाइज भी देखिए आप, ये जो है नाज़रीन लेफ़्ट साइड वाले डोर्स हैं, फ्रंट और बैक डोर है। इसके अलावा आप इसके पिलर वगैरह देख सकते हैं, और रूफ टॉप की बात करूँ तो इसमें एक सबसे अच्छा फीचर जो है वो सन रूफ वाला है जो कि लोग बहुत पसंद करते हैं, और गाड़ी की छत वगैरह देखिए तो रंग वगैरह गाड़ी का उड़ा हुआ नहीं है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये आप देखिए बम्पर, और बम्पर देखिए और बम्पर की फिटिंग देखिए, और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि बम्पर साइड से घिसा हुआ होता है, ये हल्का सा आप देख सकते हैं बस ये है, उसके अलावा मेजर जो है कहीं से लगा हुआ नहीं है, दबा हुआ नहीं है और घिसा हुआ नहीं है, आप ये देख सकते हैं। बैक से मैं आपको बात करूँ तो बैक से आप ये देख सकते हैं बैक कैमरा भी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड है, ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर ओनर ने दिया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं गाड़ी क्योंकि जेन्युइन कंडीशन में है, ये एक गाड़ी का प्लस पॉइंट है, तो आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा रंग वगैरह जो है ये थोड़ा सा उतरा हुआ है, उसका रीज़न यही है कि गाड़ी 2009 का मॉडल है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि गाड़ी जो है ये मुझे बज़ाहिर बाहर से अच्छी लग रही है, आप ख़ुद देख सकते हैं ये देखें नाज़रीन, तो आपको देखें ख़ुद भी नज़र आ रहा होगा कहीं से जो है ये, अगर मैं बात करूँ तो इसके डोर वगैरह की कहीं दबा हुआ नहीं है, आप ये देख सकते हैं कहीं डेंट नहीं है मेजर। अच्छा एक और बात ये देखिए आप इसका गाड़ी का जो टायर है ये अच्छा वाला गाड़ी का टायर इंस्टॉल्ड है। इसी के आप आगे आइए तो आप ये देख सकते हैं ड्राइविंग साइड वाला डोर है, ये ड्राइविंग साइड वाला डोर देख सकते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये देख सकते हैं इसके साइड मिरर्स वगैरह, ये साइड मिरर है, फेंडर वगैरह देख सकते हैं आप। तो ये गाड़ी जो है बज़ाहिर जो है बाहर से अच्छी कंडीशन में है, बाकी इंटीरियर वाइज में आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। फुल ऑप्शन गाड़ी है, और इसके फीचर वाइज बात करूँ तो पावर विंडोज़ मौजूद हैं, पॉकेट वगैरह देख सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ देखिए फुटपाथ पे देखिए मोनोग्राम गाड़ी का मौजूद है, और यहीं से आप देखते जाएं पिलर्स साफ सुथरे मौजूद हैं, रस्टिंग दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है, देखें रबड़ प्रॉपर सील्ड है। आप अंदर से डैशबोर्ड वगैरह देखिए, और LED देखिए कितनी अच्छी कंडीशन की इसमें लगी हुई है, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक गेयर ट्रांसमिशन के अंदर मौजूद है, आर्म रेस्ट गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड है, प्रॉपर सीट कवर्स लेदर के मौजूद हैं, तो गाड़ी जो है अंदर से अच्छी और साफ सुथरी कंडीशन में ओनर ने रखी हुई है। मज़ीद डिटेल के लिए हम ओनर के पास चलते हैं और ओनर से गाड़ी की डिटेल्स वगैरह लेते हैं, नंबर शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। नाज़रीन आप ये देख सकते हैं इंजन रूम, सर्विस
मांगती है गाड़ी, सर्विस करवानी है, धूल मट्टी बहुत है जिस जगह पे भी खड़े हैं, यहाँ पे भी बहुत धूल मट्टी है, तो मट्टी वगैरह है। बाकी आप देख सकते हैं इंजन रूम साफ सुथरा है, गाड़ी गर्म हो रही है, उसका रीज़न ये है कि इतवार बाज़ार में ये अभी मौजूद है, ये गाड़ी अभी आई है। उसके अलावा आप इसका ये देखें बम्पर वगैरह, ये बोनट वगैरह देख सकते हैं, तो बोनट वगैरह भी देखिए कहीं मुझे अभी ये बोनट में इस वक्त जो है वो रस्टिंग वगैरह नज़र नहीं आ रही है। तो ये इंजन रूम था, डिटेल्स के लिए हम ओनर के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर आपका नाम? शाहनवाज खान। शाहनवाज भाई गाड़ी की डिटेल्स दीजिएगा। 2009 मॉडल है सर, 21 की डिमांड है, फुल ऑप्शन गाड़ी है, एक साइड मैनर जो है ना थोड़ा सा चेंज एक्सीडेंटल और कलर है। अच्छा। बाकी कंप्लीट जेन्युइन है। अच्छा। इंजन वाइज कैसी है गाड़ी? बेहतरीन है, जबरदस्त। अच्छा अच्छा, ये बताइए गाड़ी कराची में कहाँ मौजूद है? कराची में सुरजानी तेसर टाउन। अच्छा, और ये बताएं ये गाड़ी कितना चल चुकी है? ये 1,14,000 किलोमीटर। अच्छा, ये फर्स्ट ओनर है? ये कन्फर्म नहीं, चेक नहीं किया। अच्छा, अभी देख लीजिए। अच्छा, तो आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए। जी सर, 0333-8582-113। अच्छा, हमारे चैनल से कोई राबता करता है तो जो है वो प्लीज़ सर, स्पेशली डिस्काउंट है आपके। थैंक यू सर। यू वेलकम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आप ये देख सकते हैं 2004 की मेहरान है, 11वें महीने की, मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लें 2005 का ये लग जाता है इसमें एयर। तो आप ये देख सकते हैं बैक से इसकी कंडीशन वगैरह आप देखिए नाज़रीन, ये बैक से देख सकते हैं साफ़ सुथरी कंडीशन में। इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि ये 2005 का ऑलमोस्ट जो है ये मॉडल है और ये सिर्फ और सिर्फ जो है 87,000 जो है ये गाड़ी चली हुई है, टोटली जो है ये पेट्रोल पे चली है, सीएनजी आज से पहले इस पर कभी गाड़ी नहीं चली ना इंस्टॉल्ड है। ये आप देख सकते हैं इसका इंजन रूम भी आप देखिए गाड़ी का, साफ़ सुथरी कंडीशन में, कुप्पे वगैरह देखिए और ये देखें टिकली वगैरह देखें, ये टिकली वगैरह मौजूद है, इंजन रूम साफ़ सुथरा है, बम्पर वगैरह देख सकते हैं आप गाड़ी का। तो मेहरान जो है बहुत रीज़नेबल गाड़ी है और जो है इसके जो खर्चे हैं अखराजात वगैरह हैं वो भी जो है वो बहुत ही सस्ते हैं, तो ये गाड़ी इसी वजह से आज तक चलती आ रही है और इसकी इतनी डिमांड है मार्केट के अंदर। अच्छा, बात करूँ इसकी, अगर मैं विंड स्क्रीन की बात करूँ ना, तो आप विंड स्क्रीन को देखिए, इस पर कहीं से स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, क्रैक नहीं है विंड स्क्रीन। और इसी के ऊपर अगर मैं छत की बात करूँ तो छत का रंग जो है वो उड़ा हुआ नहीं है, छत भी इसकी प्रॉपर क्लियर है। बॉडी वाइज आप इसको देखिए, दोनों डोर देख सकते हैं आप इसके, साफ सुथरी कंडीशन में। इसका टायर भी देखिए नाज़रीन, टायर देखें और टायर की ग्रिप्स वगैरह देखें, टायर की ग्रिप भी अच्छी है। ये बाहर से कंडीशन है नाज़रीन इसकी, बाकी इंटीरियर वाइज भी आप देख सकते हैं इस गाड़ी को, ये आप देखिए इसका डोर साफ सुथरा है, इसकी रबड़ जो अक्सर उखड़ी हुई होती है गाड़ियों की, पुरानी गाड़ियों की, लेकिन वो भी क्लियर है। अच्छा, बात करूँ इसके इंटीरियर वाइज, तो आप देख सकते हैं इसके सीट वगैरह देखिए, इस पर कपड़े के सीट कवर्स मौजूद हैं। डैशबोर्ड देखिए तो डैशबोर्ड भी आप देख सकते हैं, इसकी कंडीशन डैशबोर्ड की भी साफ़ सुथरी है। पीछे से भी आप देखिए नाज़रीन इस गाड़ी को, बाकी इसकी फ्लोरिंग ज़रूर देखिएगा, फ्लोरिंग वाइज भी देखिए और गाड़ी को देखिए, अगर आपको यहाँ कहीं इसमें डेंटिंग पेंटिंग या क्रोजन वगैरह नज़र आ रही हो। बात करूँ डैशबोर्ड की तो देखिए डैशबोर्ड में कहीं क्रैक वगैरह नहीं है। और पिलर देखिए नाज़रीन, पिलर किसी भी गाड़ी का फाउंडेशन होता है, पिलर को देखना लाजमी। अब ये देखें इसमें एक और मेजर मैं पॉइंट दिखाता हूँ, आप इधर आए ये देख सकते हैं नाज़रीन, आप इस चीज़ को देखिए, ये देखें यहाँ पर जो है ना इन्होंने पॉलीकेट वगैरह से जो है ना इस गाड़ी को के दरवाजे को बनवाया हुआ नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं जेन्युइन कंडीशन में मौजूद है। ये हल्का सा यहाँ पे देख सकते हैं रस्टिंग है, लेकिन बाकी आप देखिए पिलर वगैरह भी देख सकते हैं आप इस गाड़ी के। तो ये मैंने आपको इंटीरियर वाइज दिखा दी है, बाकी मजीद डिटेल के लिए मैं इनके ओनर के पास चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। तो नाज़रीन ये देख सकते हैं आप, इसका कारपेट हटा के दिखाऊं तो आप ये देखें इसका जो ये फ्लोर है ना इस पर रस्टिंग वगैरह नहीं है, ये देखें ये एक मेजर पॉइंट है, आप ये देख सकते हैं प्रॉपर, आप देखिए इसको साफ सुथरा है, क्लियर है यहाँ से ना अंदर से, ये ट्रंक है इसका, सीएनजी कभी इसमें पहले ही इंस्टॉल नहीं हुई है। बाकी इसका आप ये देखिए बोनट वगैरह भी देख सकते हैं आप, ये देखिए इसका मिरर यहाँ का भी देखिए, ये भी साफ सुथरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अली भाई, ये बताएं गाड़ी की डिटेल्स वगैरह हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। 2004 का मॉडल है, 11वें महीने का और जेन्युइन पेट्रोल की गाड़ी है, वीक्स है, और प्राइस गाड़ी की कंडीशन के एतबार से मामूली सी है, 5,60,000 रुपये। अच्छा, और सेकंड ओनर गाड़ी है। अच्छा अली भाई, ये बताएं ये गाड़ी कराची में कहाँ मौजूद है? गाड़ी ये फेडरल बी एरिया, फेडरल बी एरिया में। नाजीन आप इस गाड़ी को विजिट कर सकते हैं फिजिकली। अच्छा अली भाई, आप अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। 0334-388-521। तो नाज़रीन ये व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है ये नंबर, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा अली भाई, ये बताएं इसके ओनर कितने हैं? सेकंड ओनर है। सही। और दूसरी चीज़ मुझे पूछनी थी, जब ये 2005 का मॉडल है तो इसकी माइलेज इतनी कम क्यों है? सॉरी, ये 2004 का मॉडल है, 11वें महीने का, तो वो 5 लग गया ना ऑलमोस्ट जी। ये असल में 4-5 साल खड़ी रही है। अच्छा, तो इसलिए इसका माइलेज जो है ना वो। तो इंशाल्लाह कोई शिकायत तो नहीं होगी हमारे व्यूअर को, कोई खरीदता है तो? नहीं नहीं, इंशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन गाड़ी है और रनिंग अच्छी है,
साउंड बिल्कुल जीरो मीटर गाड़ी का है इसका, चारों टायर भी नए डाले हैं इसके। ठीक है ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका अली भाई और सलमान भाई आपका, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन आप ये देख सकते हैं सुजुकी लियाना 2007 का ये मॉडल है। आप गाड़ी को पहले देखिए, इसकी गाड़ी की बज़ाहिर कंडीशन आप देख सकते हैं, बम्पर वगैरह देखिए, आप इसका बम्पर देख सकते हैं नाज़रीन। अच्छा मैं ये दिखाता हूँ आपको, ये देखें साइडें जो है ना घिसी भी होती हैं, तो देखें साइडें प्रॉपर हैं इसके, ये देखें हेडलाइट्स देखें प्लास्टिक प्रॉपर है, बोनट देखिए, बोनट देखें कहीं से दबा हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं एक सीट का बोनट है, बोनट है इसका। अच्छा इसके अलावा इसके बोनट से ही अगर हम ऊपर चले ना, तो आप ये देख सकते हैं विंड स्क्रीन देखिए इसकी नाज़रीन, ये विंड स्क्रीन है इसकी, और इसी के ऊपर आप देखें तो ये जो है इसका इसकी छत है। अब मैं बात करता हूँ इसकी, ये जेन्युइन है, ये शावर है, तो ये जो पिलर है ना नाज़रीन आपको ये दिख रहे हैं, तो पिलर से ऊपर तक ये गाड़ी जेन्युइन है और नीचे से ये गाड़ी शावर है। आप ये देख सकते हैं डोर भी, इसके डोर भी साफ सुथरी कंडीशन में है, 2007 का ये मॉडल है, 8.5 लाख रुपये इसकी ओनर डिमांड कर रहे हैं। आप कंडीशन वाइज इसकी गाड़ी को आप देख सकते हैं, ये इसकी बज़ाहिर कंडीशन है, अभी तक मुझे इसमें कोई मेजर डेंटिंग पेंटिंग का काम नज़र नहीं आया है। ये देख सकते हैं आप इसका बम्पर वगैरह देखिए, बम्पर के ऊपर देखिए इसका डिग्गी वगैरह देखिए, इसका बैक में जो है ना वो मिरर भी देखिए, इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं इसके दोनों फ्रंट के डोर देखिए, ड्राइविंग साइड वाले डोर की मैं बात कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं ड्राइविंग साइड वाला डोर। इसके अलावा आप इसका पिलर देखिए नाज़रीन, पिलर देख सकते हैं। अच्छा यहाँ से आप आएँ छत देखें, अब मैं छत का आपको बताता हूँ, ये जो छत का जो रंग उड़ता है ना, ये इसकी रीज़न जो है ये धूप है, ये धूप से उड़ता है, और इसको बचाने का तरीका क्या है, आप इस पर रैपिंग करवा लें, तो दो फायदे हैं इसके, आपकी गाड़ी का जो छत का रंग है वो बचा रहेगा, दूसरा जो गाड़ी की धूप की तपिश की वजह से जो गर्म होती है ना गाड़ी, तो वो गाड़ी गर्म भी नहीं होगी, एसी कूलिंग भी गाड़ी की अच्छी होगी। तो आप ये देख लिया आपने बज़ाहिर। अच्छा इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और ये देख लिया, इसका ये टायर वगैरह की कंडीशन आप देख सकते हैं गाड़ी के, तो ये फिजिकली मैंने दिखा दी है, बाकी इंटीरियर वाइज में आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। फीचर वाइज बात करूँ ना नाज़रीन इंटीरियर की, तो आप देख सकते हैं पावर विंडोज गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, स्पीकर देख सकते हैं यहाँ इंस्टॉल्ड हैं, और ये पॉकेट इसकी दी हुई है। बाकी आप देख सकते हैं पिलर वाइज भी देखिए गाड़ी को, और अंदर डैशबोर्ड कंडीशन देखिए, डैशबोर्ड कारपेट गाड़ी का मौजूद है, देख सकते हैं आप नाज़रीन इसकी इंटीरियर वाइज। अच्छा इसके अलावा इसका देख सकते हैं नाज़रीन सीट कवर जो है तो वो थोड़े रफ हैं, आप सीट कवर चेंज करवा लीजिएगा, कोई इतना मेजर ये काम नहीं है, इतना मेजर महंगी ये चीज़ नहीं है, ये आपको रेडीमेड भी मिल जाएगी और आप इसके अपने इसके साइज़ के भी सिलवा सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी बैक सीट्स भी देख सकते हैं नाज़रीन ये मौजूद है। तो ओनर के पास चलते हैं, गाड़ी की डिटेल्स वगैरह लेते हैं और इंजन की कंडीशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो नाज़रीन ये देख सकते हैं आप, ये इसका इंजन रूम है, इसके कुप्पे वगैरह देखें और कुप्पे के ऊपर ही देखें टिकली भी मौजूद है, टिकली वगैरह की ज़रूरत क्यों पड़ती है CPLC वगैरह चेक करने के लिए, आप ये देखिए इसकी ओरिजिनल है अपनी, ये सब चीज़ें आपने वेरीफाई करनी होती है, प्लस का बोनट वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो इंजन वाइज रूम, मैंने इंजन रूम की कंडीशन दिखा दी है, अब ओनर से हम मज़ीद डिटेल गाड़ी की ले लेते हैं। नाज़रीन ये देख सकते हैं आप, इसका ट्रंक भी देखिए, बैक ट्रंक देखिए स्पेशियस है, और ये देखें इसका यहाँ पे रस्टिंग वगैरह मौजूद नहीं है, आप देख सकते हैं अपने कलर में अपने रंग में मौजूद है, और काफ़ी जो है ना कैपेसिटी इसकी मौजूद है, स्पेशियस है, और ये देख सकते हैं आप इसका पीछे का बोनट भी देखिए, ये देखें कहीं जंग वगैरह मौजूद नहीं है। एक मैं सलाम करता हूँ फिर आप, सही सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर आपका नाम? अब्दुर्रज़ाक। अच्छा अब्दुर्रज़ाक भाई ये बताइएगा गाड़ी की डिटेल्स क्या है? गाड़ी 2007 मॉडल है और इंजन इसका चेंज है और बॉडी वैस बहुत साफ गाड़ी है और एसी चालू है और बैटरी वगैरह और हिस्सा वगैरह हर चीज ओके है। अच्छा ये बताएगा ये चलने के हवाले से जो है कोई शिकायत वगैरह तो नहीं है गाड़ी में? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई परेशानी नहीं है, बेहतरीन है। चलने में कितने ओनर है इस गाड़ी के? दो। दो ओनर। और गाड़ी कराची में कहाँ मौजूद है? ये मेन सफूरा चुरंगी। सही है तो डिमांड क्या कर रहे हैं आप इसकी? 8,30,000 डिमांड कर रहे हैं इसकी। सही और इंशाल्लाह हम अगर कोई लेने वाला होगा तो 8 और 8:30 के दरमियान दे देंगे। सही है ठीक है। नंबर शेयर कर दीजिए। नंबर है हमारा जहेज का 0302-2190-305। अच्छा ये व्हाट्सएप पे अवेलेबल है? व्हाट्सएप पे भी है। तो नाज़रीन नंबर आपके पास आ गया है, व्हाट्सएप पे इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लोकेशन भी पता चल गई है, फिजिकली विजिट कीजिए और गाड़ी का जो है आप अपने हिसाब से जो है जायजा कीजिए, इंशाल्लाह आपके साथ ये ताबून करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ टोयोटा करोला XLi के पास, ये माशाल्लाह हमारे शहबाज भाई इसके ओनर हैं, इनसे गाड़ी की मज़ीद डिटेल लेते हैं, शहबाज भाई का छोटा माशाल्लाह बेटा है, तो गाड़ी की डिटेल्स इनसे लेते हैं। आप जब तक गाड़ी को फिजिकली देखिए हम इनसे डिटेल्स वगैरह लेते हैं। शहबाज भाई ज़रा जो है इधर आइएगा और हमें बताएं हमारी व्यूअर्स को
कि गाड़ी की क्या डिटेल्स हैं, गाड़ी की क्या माइलेज है, गाड़ी के कितने ओनर्स हैं और क्या डिमांड है। ये सेकंड ओनर है, 2007 का मॉडल है, इसकी हम 16-16.5 लाख डिमांड कर रहे हैं इसकी। अच्छा। तो ये फुल ओरिजिनल है, फुल जेन्युइन है। फुल जेन्युइन है, मतलब कहीं से कोई पीस टचअप भी नहीं, कोई भी नहीं, फुल जेन्युइन है। एक्सल आई है। अच्छा अच्छा, इंजन वाइज कैसी है गाड़ी, इसके अपने इंजन अपना इंजन है। अच्छा, बिल्कुल सही है, कोई काम नहीं है इस इंजन में। ठीक है। अच्छा ये बताएं, ये कितना चली हुई है गाड़ी? ये चली है 1,56,000। अच्छा, और कितने ओनर हैं इसके? सेकंड ओनर। अच्छा बताएं, कराची में कहाँ मौजूद है गाड़ी? लांडी कायदाबाद में। लांडी कायदाबाद में। नाज़रीन आप इस गाड़ी को विजिट कर सकते हैं। अच्छा ये बताएगा कि ये जो कोई भी जैसे खरीदने आता है गाड़ी ना, तो आपके पास किस वक्त जो है ना वो आ सकता है गाड़ी को देखने? जिस टाइम दिन में, जिस टाइम आ जाए, जिस टाइम भी आ जाए। सही, आपका कोई व्हाट्सएप नंबर है? जी 0306777-3577। तो नाज़रीन नंबर भी आप लोगों के पास आ चुका है, आपने गाड़ी भी देख ली है, फिजिकली ज़रूर एक दफ़ा विजिट कीजिएगा गाड़ी को खरीदने से पहले। सर बहुत शुक्रिया आपका। ओके थैंक यू। सही है। तो नाज़रीन आप ये देख सकते हैं, GLI मॉडल के पास मैं खड़ा हुआ हूँ, आप इसकी फिजिकली जो है गाड़ी देखिएगा, मैं ओनर से इन गाड़ी की डिटेल्स लेकर आपके साथ शेयर करता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आपका नाम? मोहम्मद इमदाद। अच्छा इमदाद भाई, ये बताएं ये गाड़ी की जो है ये कौन सा ओनर है, और ये गाड़ी जेन्युइन है या टचअप है या शावर है? ये सेकंड ओनर है और फुल जेन्युइन है, 2012 मॉडल। अच्छा, क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? 25,500। अच्छा ये बताएगा, ये गाड़ी जो है ये कराची में कहाँ मौजूद है? ये कायदाबाद लांडी। कायदाबाद लांडी में मौजूद है। अच्छा ये बताएं कि ये गाड़ी जो है कहीं से मेजर एक्सीडेंट तो नहीं है? नहीं। अच्छा इंजन वाइज कैसी है गाड़ी? बिल्कुल ओके। कितना चली हुई है ये, लाख से कम? ये 1,26,000 खर्च चली हुई है। 1,26,000 चली हुई है। अच्छा ये कोई नंबर वगैरह है व्हाट्सएप? 0300-5299-76 है। तो नाज़रीन नंबर वगैरह आपके पास आ गया है, लोकेशन आपको पता चल गई है, फिजिकली गाड़ी आप ज़रूर इसको जो है ना देखिए एक दफ़ा, मेरा मशवरा यही होता है, और फिर गाड़ी को लीजिए। अच्छा ये बताएं, कोई ऐसी चीज़ इसमें जो कि हमारे व्यूअर को जानना ज़रूरी हो जो ख़रीद रहा हो इस गाड़ी को, कि कोई ऐसा जो है ना काम वगैरह इसमें तो नहीं है? कोई काम नहीं, ऑल ओके, ऑल ओके गाड़ी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। कोई हमारे चैनल से आता है तो उसके साथ ताबुन आपने करना। ठीक है सर, थैंक यू। नाज़रीन इंजन रूम आप देख सकते हैं, इसका साफ सुथरा है, सर्विस करवा कर ओनर लाए हुए हैं। बैटरी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं बैटरी जो है ना इसकी, ड्राई बैटरी है। अच्छा कुप्पे वगैरह देखिए नाज़रीन, ये कुप्पे वगैरह आप देख सकते हैं, अंदर से भी आप कंडीशन देखिए, कहीं जंग वगैरह आपको नज़र नहीं आ रहा होगा इस गाड़ी के अंदर, रस्टिंग कोरोजन नहीं है। ये देखें प्रॉपर इसका जो है ना कारपेट वगैरह जो है ना वो सील्ड है। इसके अलावा इसका बोनट देखिए आप, प्रॉपर जो है ना रस्टिंग कोरोजन से क्लियर है। तो नाज़रीन गाड़ी आपने पूरी देख ली है, आप कॉन्टैक्ट कीजिए ओनर को और गाड़ी की मज़ीद डिटेल आप खुद ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका हमारी वीडियो को देखने का। थैंक यू सो मच।